केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। आंतरिक सुरक्षा के मद्देनजर इसकी स्थापना की गई थी। जरूरत पड़ने पर भी सीआरपीएफ ने सीमा पर सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कई अहम लड़ाइयों में भी अपना योगदान दिया था। आंतरिक सुरक्षा के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ भारत का प्रमुख केंद्रीय पुलिस बल है। ये सबसे पुराना केंद्रीय अर्धसैनिक बल है। आंतरिक सुरक्षा के मद्देनजर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना की गई थी। इसे साल 1949 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में गठित किया गया, लेकिन आजादी के बाद 28 दिसंबर 1949 को संसद के एक अधिनियम द्वारा इस बल को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नाम दिया गया। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आजाद भारत की बदलती जरूरतों के मुताबिक सीआरपीएफ की एक बहुआयामी भूमिका की कल्पना की और सीआरपीएफ अधिनियम के भीतर सीआरपीएफ को नियंत्रित करने वाले नियमों ने 1995 में आकार लिया। 25 मार्च 1955 को भारत के राजपत्र में आधिकारिक रूप से ये प्रकाशित हुआ। और अब आपको बताएं, जब सीआरपीएफ ने वीरता और शौर्य की गाथा पेश की, 1950 के दशक के आरंभिक वर्षों में भुज, भूतपूर्व पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ और चंबल के बीहड़ों में सीआरपीएफ टुकड़ियों के सराहनीय प्रदर्शन को व्यापक प्रशंसा मिली। इस क्षेत्र की विभिन्न रियासतों के भारतीय संघ में एकीकरण में सीआरपीएफ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जूनागढ़ और गुजरात में काठियावाड़ जैसी विद्रोही रियासतों में व्यवस्था स्थापित करने में भी बल का विशेष योगदान रहा। इन दोनों ने ही शुरू में भारतीय संघ में शामिल होने का विरोध किया था। आजादी के तुरंत बाद सीआरपीएफ की टुकड़ियों को कच्छ, राजस्थान और सिंध की सीमाओं पर भेजा गया, जहां उन्हें घुसपैठ और सीमा पार अपराधों पर लगाम लगाने का काम सौंपा गया। इसके बाद पाकिस्तानी घुसपैठियों द्वारा शुरू की गई आक्रामक कार्रवाइयों के जवाब में इन बलों को जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की सीमा पर तैनात किया गया। 21 अक्टूबर 1959 को सीआरपीएफ का एक गश्ती दल चीनी सेना द्वारा घात लगाकर किए गए हमले का शिकार हो गया। ये घटना लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में हुई थी। इस मुठभेड़ में हमारे 10 बहादुर सीआरपीएफ जवानों ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। 1962 के चीनी आक्रमण के दौरान एक बार फिर सीआरपीएफ ने अपनी बहादुरी की मिसाल पेश की। बल ने अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना को सहायता दी। इस आक्रमण में सीआरपीएफ के 8 जवान शहीद हो गए। वहीं 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी सीआरपीएफ ने भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया। सीआरपीएफ ने भारतीय अर्धसैनिक बलों के इतिहास में एक नई उपलब्धि जोड़ी, जब महिला सैन्य कर्मियों की एक टुकड़ी के साथ सीआरपीएफ की 13 कंपनियों को श्रीलंका में भारतीय शांति सेना को मजबूत करने के लिए भेजा गया। इसके अलावा भी राष्ट्रीय सीमाओं से आगे बढ़कर सीआरपीएफ कर्मियों ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अपनी सेवाएं दी हैं। सीआरपीएफ संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के भाग के रूप में हैती, नामीबिया, सोमालिया, मालदीव, कोसोवो और साइबेरिया में भी तैनात रही। इसके अलावा 13 दिसंबर 2001 को आतंकवादियों द्वारा भारतीय संसद पर किए गए हमले को भी सीआरपीएफ के बहादुर जवानों ने ही नाकाम किया था। सीआरपीएफ और आतंकवादियों के बीच 30 मिनट तक चली गोलीबारी में 5 आतंकवादियों को मार गिराया गया था।